नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टेक आरबीएम में। आज मैं बात करने वाला हूं जो यहां पे मैच खेला जाएगा पाकिस्तान ए वर्सेस इंग्लैंड ए के बीच में, तीसरा ओडीआई मैच जिसके ड्रीम इलेवन टीम, प्लेइंग इलेवन, और बात करूंगा इम्पोर्टेंट प्लेयर की और इम्पोर्टेंट न्यूज भी बताऊँगा, एवरेज भी बताऊंगा और कितना विकेट लेता है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको प्लेयर चुनने में आसानी हो और आप एक अच्छा टीम चुनकर अच्छा विन कर सके। तो बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान ए वर्सेज इंग्लैंड ए के बीच में तीसरा मैच हो रहा है ओडीआई का, जो खेला जाएगा शेख जायदा स्टेडियम अबू धाबी में, 3 बजे से खेला जाएगा मैच। तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है, जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करना चाहेगा। उससे पहले 2 मैच हो चुके हैं, तो दोनों मैच, एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, वही एक मैच इंग्लैंड ने जीता है, तो अभी सीरीज बराबर पर है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ से प्लेइंग इलेवन की, तो प्लेइंग इलेवन में यहाँ से शॉन मकसूद और अली इमरान ओपनिंग करते दिखेंगे, क्योंकि आबिद अली आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि आज का मैच वो नहीं खेलेंगे, केवल 10% ही चांस है कि वो आज का मैच खेले। तो अगर आप आबिद अली को रखे हैं तो हटा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि खेलेंगे तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ कि 90% चांस है कि आबिद अली आज का मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ से, देखेंगे एवरेज की, तो शॉन मकसूद 82 मैचों में 46 का एवरेज है और 182 हाई स्कोर हैं, 22 और शतक और 11 शतक लगा चुके हैं। वही बात करें यहाँ से अली इमरान की, तो राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी भी करते हैं और 14 मैच में 26 का एवरेज है, 102 हाई स्कोर और 11 विकेट ले चुके हैं और 1 अर्धशतक और 2 शतक भी है इनके नाम। तो आज के मैच में अली इमरान काफ़ी कैप्टन लायक बहुत अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद खुशदिल शाह हैं, जो 42 मैचों में 44 का एवरेज है, 122 हाई स्कोर हैं, 9 अर्धशतक और 6 शतक है। उसके बाद यहां से जुहैब खान है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, 101 मैचों में 24 का एवरेज है, 82 हाई स्कोर और 9 अर्धशतक लगा चुके हैं और 140 विकेट भी ले चुके हैं। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ से मोहम्मद रिजवान है, जो विकेट कीपिंग करेंगे और पिछले मैचों में काफ़ी शानदार शतक लगाया था और 113 मैचों में 34 का एवरेज है, 140 हाई स्कोर, 17 अर्धशतक और 7 शतक भी है। उसके बाद यहाँ से मोहम्मद सैद हैं, 39 मैचों में 29 का एवरेज है, 100 हाई स्कोर हैं, 7 अर्धशतक और 1 शतक भी है। उसके बाद यहाँ से आदिल अमीन, 64 मैचों में 33 का एवरेज है, 140 हाई स्कोर हैं और 11 अर्धशतक और 4 शतक भी है इनके नाम। उसके बाद यहाँ से वकाश मकसूद है, जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और 40 मैचों में 63 विकेट ले चुके हैं। पिछले मैचों में बेंच पर इन्हें बैठना पड़ा था, लेकिन इस मैच में लगता है कि इन्हें मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से राहत अली हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं, 57 मैचों में 73 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद इरफान है, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग करते हैं और 36 मैचों में 54 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद अमाद भट्ट हैं, राइट आर्म फास्टर गेंदबाजी करते हैं और 37 मैचों में 50 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद यहां से मोहम्मद इरफान है, जूनियर राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और 23 मैचों में 35 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद यहां से बेंच पर हैं, आशिक अली को मौका दिया जा सकता है किसी के स्थान पर, अमाद भट्ट, यहाँ से अमाद भट्ट या आदिल अमीन के जगह पर इन्हें मौका दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से आबिद अली आज का मैच नहीं खेल रहे हैं और अली इमरान आज का मैच खेलेंगे। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन की, तो यहाँ से कैडमोरी हैं और डिवाइस हैं, जो ओपनिंग करते हैं दिखेंगे, 45 मैचों में 33 का एवरेज है, 164 हाई स्कोर, 7 अर्धशतक और 3 शतक भी इनके नाम। उसके बाद एलेक्स डिवाइस का बात करें, तो 39 मैचों में 31 का एवरेज है, 147 हाई स्कोर, 5 अर्धशतक और 1 शतक भी इनके नाम। उसके बाद यहाँ से सैम हैन है, जो 42 मैचों में 57 का एवरेज है, 145 हाई स्कोर, 12 अर्धशतक और 9 शतक है। उसके बाद यहाँ से जो क्लार्क
48 मैच में 30 का एवरेज, 131 हाई स्कोर, 7 और 17 को 3 शतक हैं। उसके बाद यहाँ से लैम लिविंग स्टोन है, लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग भी करते हैं और 48 मैचों में 37 का एवरेज है, 129 हाई स्कोर है, 22 विकेट भी ले चुके हैं और यहाँ से 10 और शतक और 1 शतक भी है। हालांकि इस मैच में अभी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। उसके बाद यहाँ से लिवाश ग्रेगरी हैं जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट हैंड मीडियम पेस से गेंदबाजी भी करते हैं, 56 मैचों में 21 का एवरेज, 105 हाई स्कोर, 9 और शतक और 1 शतक है इनके नाम। वही बात करें विकटों की तो यहाँ से 79 विकेट ले चुके हैं और पहले मैच में 3 विकेट निकाले थे। ओली पॉप हैं, 18 मैचों में 25 का एवरेज है, 68 हाई स्कोर, 3 और शतक है। उसके बाद यहाँ से जेमी ओवरटोन दिखेंगे, राइट हैंड फास्टर गेंदबाजी करते हैं और 30 मैचों में 40 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद डोमिक बीज हैं तो राइट हैंड ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और 7 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं। तो यहाँ से डोमिक बीज के जगह पर यहाँ से मार्क वुड को स्थान दिया जा सकता है या पोर्टर को भी जगह दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से डैनी ब्रिग्स हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और 90 मैचों में 97 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद मकसूद हैं, 14 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं। तो यहाँ से बेंच पर दिखेंगे, मैक्स होल्डन का भी थोड़ा चांस है कि आज का मैच खेले किसी के स्थान पर, तो आप इन्हें भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जेमी पोर्टर का देख सकते हैं, 21 मैचों में 28 विकेट और मार्क वुड 64 मैचों में 75 विकेट ले चुके हैं। तो अब बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, तो टीम मैंने बनाया है, यहाँ से एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। विकेट कीपर में मैंने यहाँ से मोहम्मद रिजवान को रखा है। उसके बाद यहाँ से आप ग्रैंड लीग में ओली पॉप को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बैटिंग सेक्शन में यहाँ से सैम हैन को रखा है, शॉन मकसूद को रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ से आबिद अली को छोड़ दिया है, देख लेते हैं। आबिद अली को 76% लोगों ने पिक किया है, तो अगर आप रखे हैं तो आप इन्हें हटा सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ से, तो मैंने यहाँ से मोहम्मद सैद को रखा है। उसके बाद यहाँ से एलेक्स डिवाइस को रखा है। उसके बाद आप यहाँ से जो क्लार्क को और कैडमोरे को ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर मैंने यहाँ से खुशदिल शाह, लिवाइस ग्रेगरी और अली इमरान को पिक किया है। आप यहाँ से अली इमरान की जगह पर लिविंग स्टोन को भी पिक कर सकते हैं, क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से आप जोहेब खान को भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि अली इमरान अच्छे प्लेयर नहीं है तो आप यहाँ से लिविंग स्टोन को रख सकते हैं। यहाँ से अली इमरान को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे बॉलर के, तो बॉलर में मैंने यहाँ से अमाद भट्ट को रखा है और वकाश मकसूद को रखा है और मैंने यहाँ से साकिब मोहम्मद को रखा है। मैंने इंग्लैंड की तरफ से एक बॉलर यहाँ से लिया है और 2 पाकिस्तान का बॉलर लिया है। तो अगर आपको यहाँ से पिक करना चाहते हैं तो राहत अली को भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मोहम्मद जूनियर को पिक कर सकते हैं, डैनी ब्रिक्स है, ओवरटोन है और मोहम्मद इरफान को पिक कर सकते हैं हैं। तो ये हैं कुछ ऑप्शन, देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन मैंने यहाँ से शॉन मकसूद को बनाया है और ग्रेगरी को वाइस कैप्टन बनाया है। आप यहाँ से शैन हान को कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि इन्हें बहुत कम लोग बनाएंगे। और यहाँ से एलेक्स डिवाइस को भी ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। मैंने यहाँ से दूसरे टीम में अली इमरान को कैप्टन बनाया है, आप यहाँ से ग्रेगरी को भी कैप्टन बना सकते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा टीम, तो दूसरा टीम का प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ से अली इमरान को कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन यहाँ से शॉन मकसूद को बनाया है। अगर आप, ये ग्रैंड लीग का टीम है, अगर चाहे तो आप लगा सकते हैं, वरना ये टीम मत लगाइएगा। ये चलता है तो आपको अच्छा विन करा सकता है। आप यहाँ से अली इमरान को कैप्टन और मोहम्मद सैद को वाइस कैप्टन, शैन को हैन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या अली इमरान को कैप्टन और लिवाइस ग्रेगरी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो आप अलग अलग ट्राई कीजिएगा। और एक ध्यान देने वाली बात है कि आबिद अली आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, तो आप इन्हें मत पिक कीजिएगा।
तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।